सो हाई गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मेरे मोस्ट फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी कि ये यू नो वर्थ द मनी, वर्थ द हाइप भी बोल सकते हो। ये हाइप मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अफोर्डेबल है, अंडर 250 रुपीज आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। एंड जो प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं यार, उनका तारीफ करना तो मैंडेटरी है, मतलब करना ही चाहिए। एंड मैं ये सब प्रोडक्ट्स रेगुलर में यूज करती हूँ, रेगुलर मतलब जब मैं वीडियोज बनाने के लिए रेडी होती हूँ तो मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। सो यस, विदाउट एनी फर्दर आई डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। बट वीडियो में जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये इनसाइट के HD कंसीलर्स, मेरे मोस्ट फेवरेट कंसीलर्स है ये। मैं एवरीडे मैं इसी को यूज करती हूँ, मैं फाउंडेशन तक नहीं लगाती हूँ। आई जस्ट मिक्स दिस कंसीलर विद हल्का सा प्राइमर, क्योंकि थोड़ा मेरे को ग्लो चाहिए होता है, तो मैं इस कंसीलर को इसमें मिक्स करती हूँ एंड मैं लगाती हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स है अफोर्डेबल रेंज में। बस इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, मतलब बहुत छोटा माइनर प्रॉब्लम है, ज्यादा भी नहीं है, कि ना आप अगर इसके साथ वर्क कर रहे हो ना, तो आप इसको स्मॉल पोर्शंस में लगाओ। ऐसा नहीं है कि आप इसको फुल फेस में लगा लो एंड फिर उसको सेट होने के लिए छोड़ दो फिर ब्लेंड करो। नहीं, ये एक सेल्फ सेटिंग कंसीलर है। आप जस्ट अपने आईज के अराउंड लगाओ एंड विद इन 10 seconds आप उसको ब्लेंड कर लो, मतलब जितना जल्दी हो सके, क्योंकि फिर ये सेट हो जाता है। एंड इसको लगाने के बाद आपको पाउडर का भी जरूरत नहीं पड़ता, ये एकदम बेस्ट कंसीलर है। एंड इसको अभी खरीदो, ये हमेशा 180-170 के अराउंड आपको सेल में मिल जाएगा ना, ऐसे भी मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा कंसीलर है। मेरा दो शेड है इसमें, एक LN10 एंड एक LNP15, तो खरीदो एंड यस, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सेकेंड प्रोडक्ट है ये, इसको मैंने अभी रिसेंट डिस्कवर किया है, मैंने इसको बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में देखा था, आई वॉज लाइक कि नहीं मेरे को इसको खरीदना है, लेट जस्ट ट्राई कि ये वर्थ द हाइप है कि नहीं। ये है मार्स का लिक्विड आई शेडो और मेरा जो शेड है वो है 07 नेब्यूला। बहुत ही यू नो गॉर्जियस आई शेडो है, एक सिंगल आई शेडो की तरह आप इसके साथ वर्क कर सकते हो, मतलब इसका शाइन आप देख सकते हो, क्या गजब का शाइन है। मतलब इट्स ए सॉर्ट ऑफ, इसमें ना मल्टीपल रिफ्लेक्सेस आपको मिलेगा देखने को, यू गेट पिंक, पर्पल, ब्लू, आपको इस वाले रेंज में बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। बट मेरा पर्टिकुलर ये नेब्यूला बहुत फेवरेट शेड है, क्योंकि इसमें आपको यू नो मल्टीपल रिफ्लेक्सेस मिलेंगे एंड यू कैन सी कि मतलब इसका शाइन बहुत अच्छा, मतलब इसमें आपको लिटिल बिट ऑफ पिंक, पर्पल, ब्लू, मेनी कलर्स आपको इसमें मिलेंगे। आप यूज करो एंड यू विल गोइंग टू थैंक मी लेटर कि यार ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। एंड मैंने भी खुद ही शॉर्ट्स में देख के इसको खरीदा है, सो मस्ट हैविंग प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल रेंज। एंड जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है ये नेल पेंट्स बाई LA10। इसका मेरे पास दो कलर, ये वाला नेल पेंट अभी मेरे हाथ में है एंड ये इसका कलर इतना प्यारा है, इतना गॉर्जियस है, मतलब मेरा ये फेवरेट कलर है, यू नो लाइट पिंक विद अ हिंट ऑफ शिमर। एंड ये शेड भी बहुत प्यारा है, मतलब आप कहीं बीचेस वगैरह में जाओ उसको लगाओ, यू वुड लव दैट। ये कहीं से भी ना रिप नहीं होता है एंड चैप भी नहीं लगता है, बहुत ही सुंदर कलर है। एंड ये आपके हैंड एंड लेग्स में अराउंड 10 days तक रहता है एंड बहुत अफोर्डेबल है यार, 50 rupees में, और क्या आप एक्सपेक्ट करोगे एक नेल पेंट्स। एंड LA10 खुद में एक बहुत अच्छा ब्रांड है, तो डेफिनेटली इनके नेल पेंट्स आप ट्राई करो, बहुत अफोर्डेबल है। वो लोकल नेल पेंट्स को छोड़ो एंड इसमें स्टक करो, बहुत अच्छा नेल पेंट्स एंड आपको बहुत अच्छा कवरेज भी मिलेगा इससे, सो ट्राई करो एंड यस बताना कि कैसा है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है क्लिप एंड चेक टिंट, क्योंकि अभी लिप एंड चेक टिंट का बहुत सीजन चल रहा है, मे बी बहुत ट्रेंड में है वो वाली प्रोडक्ट। एंड इस बार मैंने खरीदा है ये स्विस ब्यूटी का लिप एंड चेक टिंट एंड मेरा जो इसमें शेड है वो है स्ट्रॉबेरी सिजल एंड ये एक न्यूडिश कलर है, मतलब इसका पिगमेंटेशन एवरीथिंग इज सो एकदम ये मक्खन की तरह ब्लेंड होता है आपके चिक्स में, अराउंड 6 to 8 hours तक रहेगा, ये कहीं भी नहीं हिलेगा एंड ये खुद अपने में एक सेल्फ सेटिंग है, सो बहुत अच्छा। मैंने इसको अराउंड 140 rupees में लिया था सेल में। मी टेल यू वन थिंग कि कोई भी प्रोडक्ट्स ना आप सेल के टाइम पे खरीदो, सेल के टाइम आपको डिस्काउंट्स काफी अच्छे मिल जाते हैं, तो आप उस टाइम खरीदोगे ना तो मतलब बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स के साथ आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। मतलब मैं यूजुअली इसको सनस्क्रीन के ऊपर लगाती हूँ एंड आप लगा लो एंड यू आर डन एंड गो। इसको मैं हल्का सा आईज में भी लगा लेती हूँ, मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, मतलब अंडर 150 rupees ये बेस्ट प्रोडक्ट है, इसको ट्राई करो एंड आपको ये बहुत पसंद आने वाला है सच में। सो जो लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट है वो है लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक के बिना हमारा मेकअप एकदम इनकम्प्लीट है, तो ये है ब्लर का लिपस्टिक शेड। मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को इसको खरीदे हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं एंड मैं इसको इतना यूज करती हूँ, आप देख सकते हो मैं इसको इतना, इसका कलर इतना, ये कितना प्यारा कलर का है लिपस्टिक है, इट्स काइंड ऑफ पिंक विद अ हिंट ऑफ न्यूड, बहुत ही गॉर्जियस कलर है ये। मतलब आप एक बार इसको अपने लिप्स में लगा लो, आपको कोई टेंशन नहीं है, ये हटेगा नहीं, मतलब है तो ये
काइंड ऑफ सेमी मैट, बट ये आपके लिप्स से हटेगा नहीं क्योंकि इसका स्टेन आपके लिप्स में ना नेक्स्ट डे तक रहेगा। ये कोई भी माइसेला वाटर से क्लीन नहीं होने वाला है, मैं आपको लिख के दे देती हूँ। मैं कोई भी लिपस्टिक लगाती हूँ ना, मैं इसके ऊपर इसको टॉप अप करती हूँ, मतलब अदर लिपस्टिक तो फेड हो जाते हैं ना, ये मिडिल से भी फेड नहीं होता है। ये थ्रू आउट द डे नाइट एवरी टाइम ये आपके लिप्स में रहेगा एंड ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मे बी ये अभी भी मिलता होगा तो आप इसको खरीदो। पहले मेरे को लगा था कि ये ओके प्रोडक्ट है, बट मैं इसको जब यूज करती थी आई वॉज लाइक कि नहीं यार ये कितना सही प्रोडक्ट है, मतलब अदर लिपस्टिक्स के कंपैरिजन में ये आपके लिप्स में रहता है। ये अपना वो क्या बोल सकते हैं, वाटर मार्क छोड़ता है, मतलब ये हटता ही नहीं, आप इसको कितना ही रब कर लो। जस्ट लाइक मेबलिन सुपर स्टे होता है ना, मतलब घिसते रहो नहीं, बट इसका स्टेन वहां चिपका हुआ रहेगा, हटेगा नहीं। तो इसको ट्राई करो एंड आपको बहुत पसंद आने वाला है ये वाला लिपस्टिक। And yes, that's all for the video. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर कर दो with your friends and family. कैसा लगा वीडियो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, and thanks for watching. मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, till then bye and love you all.